करण जौहर के राइट हैंड कहे जाने वाले क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने कल उनके घर से ही उन्हें गिरफ्तार करके अपने दफ्तर इंक्वायरी के लिए लेके गई थी और उनके घर से जो है वो ड्रग्स भी बरामद हुई है। जी हाँ, और क्षितिज प्रसाद ने कई सारे खुलासे किए हैं और क्षितिज प्रसाद के बताने के बाद ही बांद्रा में कई जगहों पे छापेमारी की गई। बांद्रा में अंधेरी में लगभग 6 जगहों पे जो है वो छापेमारी की गई और कई मात्रा में जो है ड्रग्स वो बरामद हुए हैं। आपको बता दें, क्षितिज प्रसाद जो हैं वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन जो है उसके मैनेजर हैं। लेकिन अब जो ट्विस्ट है वो ये है कि करण जौहर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं क्षितिज प्रसाद को नहीं जानता और मैं ये कोई मेरे कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये ना मेरे मैनेजर हैं। ऐसा साफ साफ करण जौहर ने जो है अपनी तरफ से बयान दिया है, सफाई दी है। हालांकि करण जौहर को अभी तक एनसीबी से इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन बहुत जल्द करण जौहर का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि करण जौहर के घर में जो 2019 में जो पार्टी हुई थी, मार्च अप्रैल के दौरान की बात है ये, जो पार्टी हुई थी, जो कि अब सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, उस पर करण जौहर ने सफाई दी है कि मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है और मेरे पार्टी में ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया था, मुझे बदनाम किया जा रहा है। खैर, अब जो भी है ये तो तब पता चलेगा जब करण जौहर को एनसीबी इंक्वायरी के लिए बुलाती है। फिलहाल तो करण जौहर के जो राइट हैंड है क्षितिज प्रसाद, उसको तो एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और उसी के निशानदेही पर अब कई जगहों पे छापेमारी चल रही है और क्षितिज प्रसाद ने कई सारे खुलासे भी किए हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अब उसका मेडिकल टेस्ट भी जो है वो किया जा सकता है। जी हाँ, क्षितिज प्रसाद का मेडिकल टेस्ट हो सकता है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो अब सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स के जो तालाब को साफ करने में एनसीबी लगी है, इन सब को तो देख के लगता है कि कम से कम नहीं तो भी 6 महीने से साल भर का समय तो चला ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अब ये मामला एक्टर्स तक पहुंच रहा है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स तक जा रहा है, फिर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ आ रहा है, तो कई सारे लिंक जो हैं वो इस ड्रग्स के काले बाजार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एनसीबी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है जो मेन आका है उन तक पहुंचने की, क्योंकि बॉस, बिग बॉस कौन है जो इंडस्ट्री में इस ड्रग्स का सप्लाई करता था, ये एक्टर्स तक पहुंचाता था, या किसके निशान, किसके कहने पे ये सभी चीज़ें होती थी। अब एनसीबी वहां तक पहुंचने की कोशिश में है और यही नतीजा है जिसका कि इतने सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं और पूछताछ हो रही है। तो खैर, उसमें थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी इस बार एनसीबी के हाथ लगी है वो क्षितिज प्रसाद के गिरफ्तार होने के बाद लगी है, क्योंकि इसे भी एनसीबी एक बड़ी मछली ही समझ रही है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में और क्या कुछ नई नई चीज़ें, नए नए गिरफ्तारियां, नए नए नाम उजागर होते हैं, वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक्ट्रेसेस को तो हम देख रहे हैं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक्ट्रेसेस के बाद अब एक्टर्स जो हैं वो भी निशाने पर रहेंगे एनसीबी के। सो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल तो एनसीबी इस क्षितिज प्रसाद का टेस्ट करने की सोच रही है। जैसे ही आगे हमें कोई और अपडेट्स मिलेंगी, वी विल अपडेट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।